मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बाद अब कांग्रेस ने मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। मिजोरम में 7 नवंबर को वोटिंग होगी जबकि 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी। तो पहली सूची में कितने लोगों के नाम किए गए हैं घोषित और कौन कौन से प्रमुख उम्मीदवार उतारे गए हैं मैदान में, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस ने मिजोरम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 40 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में कांग्रेस ने 39 उम्मीदवारों के नाम ऐलान किए हैं। पार्टी ने सिर्फ लुंगलेई साउथ सीट पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। पार्टी की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची के अनुसार लाल साफ्ता को आइजोल पश्चिम 3 विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है। आइजोल पश्चिम 1 से आर लल बियाक थांगा और पलाक से आईपी जूनियर को उम्मीदवार बनाया गया है। मिजोरम की सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल 17 दिसंबर को खत्म होगा। पूर्वोत्तर के इस राज्य में मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। आपको बता दें कि राज्य में पिछले साल चुनाव 28 नवंबर 2018 को हुए थे। अभी के समय में सियासी समीकरण की बात करें तो इस वक्त 40 सदस्य मिजोरम विधानसभा में मिजो नेशनल फ्रंट के 28, कांग्रेस के 5, ZPM के 1 और भाजपा का 1 विधायक है। 5 सीट पर निर्दलीय विधायक है। अब देखना होगा कि 3 दिसंबर को किसकी सरकार बनती है। DB लाइव की रिपोर्ट।